दोस्तों सी लैंग्वेज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले सी में एरे कंसेप्ट, मतलब एरे रहता क्या है, मल्टी डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल एरे मतलब क्या, उसमें वैल्यू कैसे डालते हैं, उसका डिक्लेरेशन क्या है, सब चीज़ें हम बेसिकली आज देखने वाले। ये एरे ध्यान से सुनना, आपको ये बेसिक लेवल पर एरे सीखना है और आगे जाके आप जो जो प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसमें भी ये एरे आपको बहुत यूज होगा, इसलिए आप ध्यान से सुन। Array is a kind of data structure that can store fixed size sequential collection of element of same type. मतलब same data type में sequential में वो value store करता है, मतलब जिसका data type same है वो store उसमें, मतलब array में same data type की value store होती है, वो sequentially होती है, ये ध्यान में रखो। An array used to store collection of data but is often more useful to think array as a collection of variable of the same data type. वही है, मतलब क्या मतलब दोस्तों, एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन सेम डेटा टाइप, ये ध्यान में रखो। एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन सेम डेटा टाइप, उसको बोलते हैं एरे। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 99 एक्सेट्रा, यू डिक्लेयर वन एरे वेरिएबल सच एज नंबर एंड यूज नंबर 0, नंबर 1, ऐसा करके आप एक्सेस उसको कर सकते हैं। मतलब एक एरे लेने का, एरे को नेम देने का, विद इन द एरे के जो ब्रैकेट रहेगी उसमें आप डालेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और इच नंबर 1, नंबर 2, नंबर 0 ऐसे को आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हर बार नया वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, एरे का सिंपल और बहुत ही अच्छा उपयोग। उसके बाद देखो यहाँ पे एरे का सिंटैक्स, मतलब एक वर्चुअली दिखाया गया है ग्राफिकली कि नंबर 0 है हर एक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एरे ऑलवेज स्टार्ट विद द 0 पोजिशन। एरे का जो चालू होता है, मतलब नंबर 0 से नंबर 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं, ऐसा नहीं चालू होता 1, 2, 3, वो 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान में रखो। मतलब जो आपकी 9th पोजीशन होगी वो एक्चुअली आपकी 10th पोजीशन होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा, आगे आगे आप समझ जाओगे। उसके बाद देखो एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, यहाँ पे एरे का नेम लाएगा, पहले एरे का नेम लिया हमने ए, उसके बाद एरे की साइज आएगी, अगर एरे की आपको साइज दे दी 2, 3, 5, 10, वो कितने इंटीजर स्टोर करेगी वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। This is called a single dimensional array. मतलब यहाँ पे एक ही ब्रेसेस है तो इसको हम सिंगल डायमेंशनल एरे बोलेंगे। अगर सेम ऐसे ब्रेसेस और एक होगा उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मस्ट बी एन इंटीजर कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन 0 टाइप इज कॉल्ड वैलिड डेटा टाइप। ओके, टू डिक्लेयर 10 एलिमेंट एरे इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ टाइप डबल। ओके, अगर आप 10 एलिमेंट एरे को एरे में डालते हैं उसको बैलेंस ऑफ टाइप डबल ऐसे बोलते हैं, तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं डबल बैलेंस 10 ऐसे। ओके, इंटीजर ए इज इक्वल टू ऐसा डबल ऐसा कर सकते हैं। हियर बैलेंस इज वेरिएबल एरे विच सफिशिएंट टू होल्ड अप टू 10 डबल नंबर्स। मतलब एरे यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, हमने यहाँ पे 10 साइज दिए तो 10 इंटीजर्स, मतलब 10 डबल साइज वेरिएबल वो स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर सकते हैं या कुछ भी वो स्टोर कर सकता है। उसके बाद एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। डबल बैलेंस 5, डबल ए डेटा टाइप, बैलेंस ये हमारा नेम, 5 है साइज दी इज इक्वल टू, डबल ए हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है इसलिए वो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टोर की। 5 डिजिट बोले ए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा किया। ओके, द नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन ब्रेसेस कैन नॉट बी लार्जर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी डिक्लेयर एरे बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब जो वैल्यू हमने एरे के पास की एरे में 5 पास की, तो उससे ज्यादा हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ये एरे का बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला था वो एरे की वो जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 5 डिजिट स्टोर किए हमने 1, 2, 3, 4, 5 पर 0 से स्टार्ट होता है इसलिए वो 5 है। अगर हम यहाँ से लेंगे 1, 2, 3 से वो 4 आएंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रोग्रामिंग मतलब कोड करते हुए समझ में नहीं आती, लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता बहुत से स्टूडेंट को कि एरे का स्टार्ट 0 से होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलो एरे के एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। ये प्रोग्राम आपको 2 यानी 4 बार करके देखना है, 2 बार टाइप करो और 2 बार आप अपने दिमाग से टाइप करने की कोशिश करो, उससे आप बहुत जल्द से जल्द सीख जाओगे। क्योंकि आप अगर एरे सीख गए तो आगे आपको एरे बहुत सारी जगह पे यूज करना है, एरे एज एरे पॉइंटर में करना है, बहुत सारी मतलब बहुत बहुत चीजों में एरे आपको इम्पोर्टेंट होगा।
और फायदेमंद भी होगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। चलो पहले थियोरेटिकली मैंने यहाँ पे थ्योरी लिया उसको भी पढ़ लिया, थ्योरी मिस मत करना दोस्तों, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट किए होते हैं मैंने। एन एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम, ओके, दिस इज डन बाय द प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ एरे। फॉर एग्जाम्पल, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या, हमने एक डेटा टाइप लिया, हमारा एरे नेम सैलरी है, बैलेंस इज इक्वल टू 9, बैलेंस इज इक्वल टू 9 है मतलब 9 नंबर पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके से, तो इस प्रोग्राम में लिया। तो चलो ये प्रोग्राम मैंने उधर कॉपी करके रखा है आपको, अब ये प्रोग्राम में बता बहुत ही आसानी से। इंटीजर में हेडर फाइल से ही करता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए होंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारे हेडर फाइल है, उसके बाद हमारा इंटीजर मेन फंक्शन है। इंटीजर मेन लिया तो हमें रिटर्न जीरो करना ही पड़ता है, वर्ड मेन लिया तो हमें गेट से एज करते हैं, या नहीं किया तो भी चलता है, टर्मिनेट करना ही पड़ता है। इंटीजर मेन लिया तो हमें इंटीजर मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न वैल्यू, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए जीरो लिया। उसके बाद लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर इंटीजर यन 10, मतलब ये हमारा एक एरे डिक्लेयर किया, सिंगल डायमेंशनल एरे, उसमें 10 डिजिट, ये यन इज एन एरे ऑफ 10 इंटीजर, 10 इंटीजर का एक एन नेम का हमने एरे डिक्लेयर किया, उस एरे को इनिशलाइज करते हैं। इनिशलाइज करने से पहले हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप में देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू जीरो लिया, मतलब जो आई ऊपर हमने डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो है, आई लेस देन 10 क्या है हमारा एरे की साइज, आई जब तक 10 से छोटा है तब तक आई प्लस प्लस होगा, कब तक प्लस प्लस होगा, जब तक वो आई से छोटा है, मतलब 10 से आई छोटा है, ये ऑफ आई, अब एन ऑफ आई की आई की साइज क्या हमारी जीरो है, मतलब एन ऑफ जीरो इज इक्वल टू आई प्लस 100, आई प्लस 100 मतलब 100 में जीरो होगा, उसके बाद 1 होगा, 100 101 102 ऐसे वो प्रिंट करेगा, ऐसा ये होगा। उसके बाद देखो आउटपुट ऑफ इच एरे एलिमेंट्स वैल्यू, वो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है हमारा, यहाँ पे देन ऊपर तो जस्ट हमने इनिशियलाइज किया, यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन ऑफ 10, जे प्लस प्लस होगा, मतलब क्या दिया है, 1 by 1 एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे जे ये लूप लिया है, प्रिंट ऑफ एलिमेंट ऑफ परसेंट डी, मतलब ये एलिमेंट परसेंट प्रिंट करेगा जे एरे, एरे कैसे प्रिंट होता है देखो दोस्तों, एन ऑफ जे प्रिंट करना है, मतलब पहले जे प्रिंट होगा, जे में वैल्यू क्या है हमारी जीरो, उसके बाद वो एन ऑफ जे प्रिंट होगा, बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। चलो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं, बोला था दोस्तों बहुत से आउटपुट आए, एलिमेंट ऑफ जीरो पोजिशन पे 100 है, एलिमेंट ऑफ 1 पोजिशन में 101 है, एलिमेंट ऑफ 2 पोजिशन में 102, ऐसे वो स्टोर हो गए, तो इसको बोलते हैं एरे ऑफ एलिमेंट, वो पहले एरे में हमने वैल्यू स्टोर की, फिर वो वैल्यू हमने जस्ट शो की, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एरे कंसेप्ट। अब ध्यान से पढ़ेगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।